श्री राम समर्थ, सितंबर 25। अखंड अनुसंधान जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और उसका प्रयोग करके हम काम करते हैं, यानी भगवान ही हमारे द्वारा सभी कार्य करवाते हैं। अतः यदि हम अपना प्रत्येक कर्म इस भाव से करें कि सब उन्हीं की प्रेरणा से घटित हो रहा है, तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम दृढ़ होगा। जो भी कुछ करना हो वह सब भगवान के लिए करे तो हमें पाप पुण्य की बाधा क्यों हो। एक बार कबीर के यहाँ मेहमान आए, घर में तो उन्हें भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं था, और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अतिथि को भगवत स्वरूप मानना चाहिए, इसलिए कबीर ने उसके लिए पर्याप्त होगा इतने अनाज की चोरी की। चोरी करना बुरा है, पाप है, फिर भी चोरी भगवान के लिए की, अतः उसे पाप नहीं लगा। अंततः कर्म हो जाने के बाद हम अवश्य भगवान का स्मरण करें और कर्म उसे अर्पण करें, फलतः धीरे धीरे अभिमान कम होकर भगवान के प्रति प्रेम दृढ़ होगा। एक बार दृढ़ निश्चय करें कि हम भगवान के हैं, संसार के नहीं हैं, और इस निश्चय को पक्का करने के लिए निरंतर नाम स्मरण करें। हम मनुष्य हैं, यह भान जितना दृढ़ होता है उतनी ही दृढ़ता नाम स्मरण के बारे में हो, फिर भी यह साधना कठिन है। यदि यह नहीं सरता है तो उसके बाद द्वितीय उपाय, जो कुछ घट रहा है वह भगवत कृपा और प्रेरणा से घट रहा है, ऐसी भावना अंतःकरण में रखें। और यदि वह भी नहीं सरता होगा तो वैखरी वाणी से अखंड नाम स्मरण करे। इस अनुसंधान की प्रक्रिया में मन भगवान के प्रति स्थिर हो जाता है। फिलहाल हमारा उल्टा बन रहा है, हम देह से पूजा करते हैं, मेले में भी जाते हैं, लेकिन मन गृहस्थी में रखते हैं। ससुराल में आई बहू घर के सब लोगों के लिए श्रम करती है, पति का काम शायद ही करती हो, लेकिन अंतःकरण में वह पति के लिए ही होती है। वैसे ही गृहस्थी में सब के लिए सब कुछ करे, लेकिन मन में मैं राम का हूँ यह स्मरण सदा रखे। अपना गंतव्य स्टेशन निश्चित करके हम रेलगाड़ी में बैठते हैं, बीच में अनेक बातें होती हैं, खड़ा रहना पड़ेगा, कई तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन निर्धारित स्टेशन पर उतरने के बाद हम प्रसन्न होते हैं। उस प्रसन्नता में हम पिछला सब भूल जाते हैं। उसी तरह हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, यह निश्चित करने के बाद हमें अनुसंधान में रहना चाहिए, तब गृहस्थी की अड़चनों का महत्व क्षणिक होता है, लेकिन पहले ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। भगवान का नाम भगवान की कृपा के लिए लेना चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। नामस्मरण ही हमें ध्येय की सिद्धि करा देगा। भगवान की तरह हमें भी गृहस्थी में रहकर उसके बाहर रहना चाहिए, अपने देह की ओर साक्षी के समान देखना सीखे। यदि वह नहीं सत्ता हो तो विस्तार में रहकर भी अनुसंधान में रहे। पढ़ा हुआ भूला जाएगा, देखा हुआ भूला जाएगा, जो कृति की होगी वह भी भूला जाएगी, किंतु अंतःकरण में भगवान का जो अनुसंधान दृढ़ हुआ है उसे भूलना नहीं चाहिए। आज के मुख्य विचार, कलयुग में अवतार नहीं है लेकिन नामावतार जरूर हैं, और वही सच्चा उद्धार करने वाला है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.